गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, चलो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन थे होमवर्क के। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 × √3 ये कितना होगा, 5√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, √3 × √7 ये कितना होगा, √21। 2√3 × √ सिर्फ रूट रूट वाले मल्टीप्लाई होते हैं तो कितना होगा, 2√21। 4√5 × √3 वापस से रूट वाले मल्टीप्लाई, 4√15। 5√2 × √2 अब हम जानते हैं भाई √2 √2 कितना होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि √x × √x कितना होता है, x, तो √2 × √2 कितना होता है, 2। तो 5 और √2 √2 2 तो 5 × 2 कितना आ गया, 10। 6 √3 × 5√2 अब रूट वाले मल्टीप्लाई होंगे और जो नॉन रूट है वो मल्टीप्लाई होंगे, तो देखो 6 × 5 तो कितना हो जाएगा, 30। और √3 × √2 कितना हो जाएगा, √6। नेक्स्ट 5√7 × 8√3 5 √7 × 8√3 5 × 8 = 40 और √7 × √3 = 21। 5√7 × 5√7 देखो 5 × 5 = 25 और √7 × √7 वही √x × √x तो √7 × √7 कितना, 7, तो 25 × 7 सॉल्व कर लेना। 2√3 × 5√2 2 × 5 = 10 √3 √2 √6 तो 10√6 7√3 × 8√27 7 × 8 तो हमारे पास कितना होता है, 56 रूट। देखो 3 × 27 कितना होगा, 81। अब √81 आ गया, √81 को अगर हम सॉल्व करें तो 81 के फैक्टर करेंगे, 3 × 27 3 × 9 3 × 3 = 1 एक पेयर थ्री का ये बन गया, इससे 3 बार आ गया, इससे भी 3 बार आ गया, तो कितना गया, 56 × 3 × 3 कितना गया, 56 × 9 सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं, ये तो कल का होमवर्क था हमारा, ये तो हम लोगों ने कल का होमवर्क डिस्कस करा, अब आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना देख लिया था, अब हम देखते हैं कि ऐड कैसे होते हैं। देखो एडिशन सीखते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन साथ में सीखते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो क्या होता है, हमारे पास √x है, लेट्स सपोज, तो जब रूट के पीछे कुछ नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है कि रूट के पीछे हमारे पास 1 है। जब रूट के पीछे कुछ नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास रूट के पीछे क्या है, 1, राइट। अब प्लस √x, तो अब यहां पे भी कुछ नहीं है तो यहां पे हमारे पास क्या है, 1 है। अब देखो ऐड कैसे होगा, ध्यान से समझना, रूट ये ऐड तभी होते हैं जब रूट के अंदर नंबर सेम है। अगर ये √x है ना, ये √x है, तब ये दोनों ऐड होंगे, वरना ऐड ही नहीं होंगे। अगर तुम्हें बोलते भाई √x + √y लिख दो तो ये तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता, ये एज इट इज ही रहता है, √x + √y। इसको ये नहीं लिख सकते √x + y, ये गलत होता है, ध्यान रखना, राइट। देखो अब इसको देखते हैं ऐड करते कैसे, कि अब ऐड कैसे होता है, √x तो हमारे पास सेम ही रहता है और 1 और 1 ऐड हो जाता है जैसे अगर हमें √x + √x करना है, इसके पीछे 1 है, इसके पीछे 1 है, 1 + 1 कितना होगा, 2। √x एज इट इज रहेगा क्योंकि ऐड कर रहे हैं, तो आंसर कितना रहेगा, 2√x। देखो इसका एग्जांपल देखते हैं, 2√3 + 5√7 √3 एज इट इज, 7√2 - 5√2। अब देखो 7√2 माइनस, तो 7 - 5 कितना, 2, √2 एज इट इज, 5√7 + 2√7 कितना, 7√7। ये हम सारे ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रूट के अंदर दोनों के अंदर नंबर सेम है, अगर रूट के अंदर नंबर सेम नहीं होता तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते, जैसे 5√2 + 2√3 इक्वल टू क्या, कुछ भी नहीं, ये एज इट इज रहता है, ये ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट देखो 5√7 + 3√7 विल बी 8√7 देखो सब्ट्रैक्ट देखते हैं, 5√7 - 3√7 कितना, 2√7
देखो 3√7 माइनस 5√7 कितना आएगा? देखो जब 3 और 5 सब्ट्रैक्ट होंगे तो साइन किसका आता है? बड़े वाले का। बड़े वाले का साइन क्या है? माइनस। तो प्लस का 3 माइनस का 5 विल बी माइनस का 2, √7 एज इट इज रहेगा। क्लियर है? इसमें ध्यान रखना बेटा, ये हमारे पास ऐड नहीं हो सकते क्योंकि रूट में नंबर सेम नहीं है। जब तक रूट में नंबर सेम नहीं होगा तब तक हम इनको ऐड नहीं कर सकते। क्लियर है? देखो आगे देखते हैं, 7√5 प्लस का 10√5 कितना होगा? 7 और 10 ऐड हो जाएंगे, 17√5। 7√5 माइनस का 10√5 प्लस का 7 माइनस का 10 कितना होगा? माइनस का 3√5। 5√2 माइनस 2√3 कितना होगा? कुछ भी नहीं होगा क्योंकि रूट के अंदर नंबर सेम नहीं है, इसलिए ये दोनों ऐड नहीं होंगे। ध्यान रखना हमें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 5√3 प्लस √3, जब रूट के पीछे कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1 होता है। तो 5 + 1 कितना आ जाएगा? 6√3। 8√5 माइनस 4√5 कितना होगा? 4√5, क्योंकि 8 माइनस 4 हमारे पास 4 होता है। 8√3 प्लस 5√2 कितना होगा? कुछ भी नहीं होगा क्योंकि रूट के अंदर नंबर सेम नहीं है। होप एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्लियर होगा। चलो थोड़े से एग्जांपल्स और कर लेते हैं। 5√3 प्लस 2√27। हम लोगों ने सीखा है भाई, जब तक रूट में नंबर सेम नहीं होंगे तब तक वो ऐड तो होंगे ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। बट हम अभी √27 को कुछ लिख सकते हैं। देखो 27 को क्या लिखते हैं, अगर हम 27 के फैक्टर्स करें, 3, 9, 3, 3, 3, 1, तो ये पेयर हो गया, ये रूट में रह गया, तो कितना आ गया? 5√3 तो एज इट इज प्लस 2। √27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3, ये 3 पेयर हो गया तो 3 बाहर आ जाएगा, रूट में क्या रह जाएगा? √3। ये जो अकेला नॉन पेयर्ड है, ये वाला ये रहा और ये वाला 3 ये रहा, तो 5√3 प्लस 2 × 3 कितना? 6√3। तो अब क्या रूट में नंबर सेम आ गए? तो अब ये ऐड हो जाएंगे कितना? 11√3। तो इसका आंसर ये होगा। सेम हम अगर करें √2 प्लस √8, अगर हमें ये भाई रूट में जब तक सेम नहीं होता तब तक ऐड तो हो नहीं सकते। अब इसको फैक्टराइज करके देखते हैं। अगर हम 8 के फैक्टर करें, 2, 4, 2, 2, 2, 1, 2 पेयर हो गया, नॉन अनपेयर्ड ये रह गया, तो √2 तो एज इट इज प्लस √8 को क्या लिख सकते हैं? 1, 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट में क्या रह जाएगा? 2। जब रूट के पीछे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। 1 + 2, 3, √2 एज इट इज 3√2। ये एडिशन है। सब्ट्रैक्शन अगर हम देखना चाहें तो √2 माइनस √8 हुई, √2 माइनस √8 को हम क्या लिख सकते हैं? ये हमने यहाँ पे देखा था 2√2। √2 माइनस 2√2 विल बी माइनस 1√2। इसको हम सिर्फ माइनस √2 भी लिख सकते हैं आंसर। तो इस तरह से करते हैं हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।